नमस्कार, आप देख रहे हैं जय बिहार झारखंड और मैं हूं रश्मि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगले आधे घंटे आप देखेंगे बिहार की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। बक्सर के पूर्व सांसद और बिहार बीजेपी के बड़े नेता रहे लाल मुनि चौबे का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। लाल मुनि चौबे काफी दिनों से बीमार थे। बक्सर से चार बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके थे लाल मुनि चौबे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लाल मुनि चौबे का टिकट काटकर अश्वनी चौबे को उम्मीदवार बनाया था, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें मना लिया था। लालमुनि चौबे के निधन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार, सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं ने शोक जाहिर किया है। लालमुनि चौबे का कल वाराणसी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एम्स में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार थे। 4 बार सांसद रह चुके हैं बक्सर से, जबकि 5 बार विधायक रह चुके हैं। ब्रिजम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजम, जाहिर है ये ऐसी खबर जिससे न सिर्फ बीजेपी के खेमे में बल्कि एक सियासी खेमे में, क्योंकि वो बीजेपी के नेता भले ही थे लेकिन उनकी स्वीकृति हर पार्टी में थी, उन्हें हर पार्टी के लोग चाहते थे। बिल्कुल सुमित, और लालमुनि चौबे हार्ड कोर बीजेपी के नेता थे और वो बीजेपी जनसंघ के समय से। ठीक है ब्रिजम, मैं आपको रोकूंगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं फोनलाइन पर। मैं सर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी इस दुखद खबर पर। लालमुनि चौबे जी हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी मृत्यु से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को बिहार के अंदर बढ़ाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार के अंदर हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने बनाने का काम किया है। आज उनकी क्षति जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्णीय क्षति है, वहीं बिहार के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक शून्यता उनके नहीं रहने से आया है, जिसकी भरपाई बड़ी मुश्किल होगी। सर कुछ यादें साझा करना चाहेंगे अगर आप? लालमुनि चौबे साहब हालांकि जरूर कुछ नाराज हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वो एक सियासी एक अलग सियासी घटना थी, लेकिन इन सब से अलग। देखिए, वैसे लोगों से हम जैसे लोगों को सीखने को मिलता है, पार्टी के अंदर यदि कभी कोई निर्णय मन के विपरीत भी होता है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना और फिर पार्टी के निर्णय के साथ काम में लग जाना, जिस घटना का उल्लेख आप कर रहे हैं उससे भी सीखने को मिलता है। और ऐसे दर्जनों घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं और मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से कई बार एक कार्यकर्ता के रूप में अनुभव किया है कि किस प्रकार से वो संगठन की संरचना को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते थे, संगठन सूत्र को समझाते थे और हमेशा कार्यकर्ता ही संगठन की पूंजी। यह विषय न केवल अपने बातों में कहते थे बल्कि अपने व्यवहार से वो दिखाते थे और जो कार्यकर्ताओं को उनका स्नेह मिलता था जी, वो बहुत खास होता था। किसी कार्यकर्ता को बिना अपने घर से आने नहीं देना, उसके हर दुख सुख की चिंता करना, व्यक्तिगत रूप से भी हर कार्यकर्ताओं के नजदीक रहने का प्रयास, वो उनकी। ठीक है, शुक्रिया सर। हमारे साथ जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन माफी के साथ शुक्रिया लेकिन हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक आप इसे कह सकते हैं कि वरिष्ठ होने के नाते कई मौकों पर मार्गदर्शक की भी भूमिका निभाई उन्होंने। ये जरूर मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि बहुत सीखने को भी उन्हें मिला, कई ऐसे नेताओं को लालमुनि चौबे जी से सीखने को मिला है। ब्रिजम, बीजेपी के खेमे के साथ साथ बाकी खेमों में भी कहीं ना कहीं शोक की लहर है इस खबर के बाद। बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई और जैसे ही लोगों को ये सूचना मिली तो हमारे पास कई ऐसे संदेश आए जो अलग पार्टी के नेताओं के थे। श्याम रजक ने फोन किया, संजय सिंह ने फोन किया और कई ऐसे लोग जो ये जताना चाह रहे उनके उनके मृत्यु पर शोक जताना चाह रहे थे, उनके निधन पर शोक जता, तो ये उनके व्यक्तित्व को बताता है कि वो किस तरह के नेता थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो पार्टी से अलग हटकर सबसे अपना व्यक्तिगत रिलेशन भी रखते थे,
तो ऐसे हालात में लाल मुनि चौबे का जाना बीजेपी के लिए जरूर अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि वो हार्डकोर बीजेपी के नेता थे और आपको बता दें कि जनसंघ के समय से ही वो लगातार विधायक रहे हैं। 1972 में वो विधायक चैनपुर से चयनित हुए थे, 5 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी नजदीकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से काफी हद तक थी। और एक वाक्या उनके बारे में बता दूं सुमित, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि भीड़ बहुत है, दूसरे लोग भी मंत्री बन सकते हैं, और वो मंत्री नहीं बने। तो ऐसे व्यक्तित्व के नेता थे लालमुनि चौबे, और लालमुनि चौबे के निधन के बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यकीनन बीजेपी को एक बड़ा झटका, और न सिर्फ झटका आप इसे कह सकते हैं कि बड़ी क्षति आप इसे कह सकते हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी थे, उन्होंने भी यही बात कही। ब्रिजम, आप लंबे अरसे से बीजेपी को कवर करते रहे हैं, बीजेपी के अंदर हालांकि लोकसभा चुनाव की घटना जरूर उस समय एक सियासी घटना हम कह सकते हैं, जो नाराजगी थोड़ी हुई फिर मना भी लिए गए, लेकिन बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं में, आम कार्यकर्ताओं में लालमुनि चौबे की कैसी छवि, लालमुनि चौबे को लेकर कितना प्यार? देखिए सुमित, बक्सर के साफ तौर पे बक्सर की यदि मैं बात करूं, लोकसभा चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं देने की बात की गई और सुनील चौबे को टिकट देने की बात की गई थी, उस समय उन्होंने पहले तो ये मना कर दिया था, लेकिन उनके समर्थक इतने ज्यादा तादाद में थे कि उन्होंने अपने समर्थकों की बात को मानते हुए बीजेपी से बगावत करने की सोची थी। लेकिन जैसे ही तमाम नेता और तमाम लोग उनसे संपर्क किए, वो पूरी तरह से बदल गए। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी थी और उनको मनाया था, तो उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था और सपोर्ट करने का निर्णय लिया था। उसके बाद से लगातार वो पार्टी में बने रहे और पार्टी से। ठीक है ब्रिजम, हम यहाँ रुकेंगे आपको। अश्विनी चौबे बीजेपी के सांसद खुद हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर से। अश्विनी जी, कितनी बड़ी क्षति सर, पहली प्रतिक्रिया इस दुखद खबर पर। लालमुनि चौबे जी नहीं रहे, इस खबर पर सर पहली प्रतिक्रिया आपकी, और खासतौर पर तब जबकि आप बक्सर से इस वक्त सांसद हैं। हेलो जी, आप तक आवाज आ रही है सर? हेलो अश्विनी जी, आप तक आवाज आ रही है जी? हेलो, चलिए लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अश्विनी चौबे जी तक। बक्सर से फिलहाल सांसद हैं अश्विनी चौबे, और इन्हीं को टिकट देने पर वो नाराजगी हुई थी, लेकिन वो एक सियासी घटना, लेकिन बाद में उन्हें मना भी लिया गया, और लंबे समय से उनके समर्थक हैं, बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके थे। अश्विनी चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है सर। मैं इस खबर पर सर, दुखद खबर है इसकी, इस पर सर पहली प्रतिक्रिया सर आपकी। जी मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर, मिल रही है। हेलो, चलिए माफी चाहते हैं सर, आपकी आवाज हम तक मिल रही है, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी को एक बड़ी क्षति। लालमुनि चौबे बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके, 5 बार विधायक नहीं रहे।